फिलेमोन के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री पहला अध्याय। पौलुस की ओर से जो मसीह यीशु का कैदी है और भाई तीमुथियुस की ओर से हमारे प्रिय सहकर्मी फिलेमोन और बहन अफफिया और हमारे साथी योद्धा अर्खिपुस और फिलेमोन के घर की कलीसिया के नाम हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। मैं तेरे उस प्रेम और विश्वास की चर्चा सुनकर जो सब पवित्र लोगों के साथ और प्रभु यीशु पर है सदा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और अपनी प्रार्थनाओं में भी तुझे स्मरण करता हूँ कि तेरा विश्वास में सहभागी होना तुम्हारी सारी भलाई की पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली हो। क्योंकि हे भाई, मुझे तेरे प्रेम से बहुत आनंद और शांति मिली, इसलिए कि तेरे द्वारा पवित्र लोगों के मन हरे भरे हो गए हैं। इसलिए यद्यपि मुझे मसीह में बड़ा हियाव तो है कि जो बात ठीक है उसकी आज्ञा तुझे दूं, तो भी मुझ बूढ़े पौलुस को, जो अब मसीह यीशु के लिए कैदी हूं, यह और भी भला जान पड़ा कि प्रेम से विनती करूं। मैं अपने बच्चे उनेसिमुस के लिए, जो मुझसे मेरी कैद में जन्मा है, तुझसे विनती करता हूं। वह तो पहले तेरे कुछ काम का न था, पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। उसी को, अर्थात जो मेरे हृदय का टुकड़ा है, मैंने उसे तेरे पास लौटा दिया है। उसे मैं अपने ही पास रखना चाहता था कि तेरी ओर से इस कैद में, जो सुसमाचार के कारण है, मेरी सेवा करे, पर मैंने तेरी इच्छा बिना कुछ भी करना न चाहा कि तेरी यह कृपा दबाव से नहीं पर आनंद से हो। क्योंकि क्या जाने, वह तुझसे कुछ दिन तक के लिए इसी कारण अलग हुआ कि सदैव तेरे निकट रहे, परंतु अब से दास की नाई नहीं, वरन दास से भी उत्तम, अर्थात भाई के समान रहे, जो शरीर में भी और विशेषकर प्रभु में भी मेरा प्रिय हो। सो यदि तू मुझे सहभागी समझता है, तो उसे इस प्रकार ग्रहण कर जैसे मुझे। और यदि उसने तेरी कुछ हानि की है या उस पर तेरा कुछ आता है, तो मेरे नाम पर लिख ले। मैं पौलुस अपने हाथ से लिखता हूँ कि मैं आप भर दूंगा, और इसके कहने की कुछ आवश्यकता नहीं कि मेरा कर्ज जो तुझ पर है वह तू ही है। हे भाई, यह आनंद मुझे प्रभु में तेरी ओर से मिले, मसीह में मेरे जी को हरा भरा कर दे। मैं तेरे आज्ञाकारी होने का भरोसा रखकर तुझे लिखता हूँ, और यह जानता हूँ कि जो कुछ मैं कहता हूँ तू उससे कहीं बढ़कर करेगा, और यह भी कि मेरे लिए उतरने की जगह तैयार रख। मुझे आशा है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं के द्वारा मैं तुम्हें दे दिया जाऊंगा। इपफ्रास, जो मसीह यीशु में मेरे साथ कैदी है, और मरकुस और अरिस्तर्खुस और देमास और लूका, जो मेरे सहकर्मी हैं, इनका तुझे नमस्कार। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा पर होता रहे। आमीन।